गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास थ्री ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द चैप्टर नेम ऑफ द इंग्लिश इज अ कारपेट ऑफ अ क्रैकर्स इट मींस कारपेट मींस गलीचा एंड द क्रैकर्स मींस पटाखे ये स्टोरी आई थिंक दिवाली पार्टी का है तो इसमें जो क्रैकर्स फोड़े जा रहे हैं उसके बारे में है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन द चैप्टर ना फर्स्टली आई रीड इट ओके सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स रचित लिव्स विथ हिज फैमिली इन अ विलेज क्लोज टू अ स्मॉल टाउन रचित एक बच्चा है जो अपने फैमिली के साथ स्मॉल टाउन डेट मीन्स के छोटा शहर के नज़दीक एक विलेज विलेज मीन्स गांव गांव है जो आ, शहर से जो सटे हुए रहते हैं आ, उससे उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता है हिज फैमिली एक द क्लीन क्विट सराउंडिंग्स उसके फैमिली जो है वहाँ बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो जो इलाका है वो जो गांव है वो बहुत शांत है बहुत साफ सुथरा गांव है ओके okay? वन डे ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अंकल प्रीतपाल हिज फादर्स ब्रदर एक दिन क्या होता है अंकल मतलब उसके फादर के जो भाई हैं मतलब उसके पिता के जो भाई हैं वो वो बाहर शायद रहते हैं तो वो जो है लेटर भेजते हैं उनके अंकल का नाम है प्रीतपाल तो उसे एक दिन क्या मिलता है उनका लेटर मिलता है उसमें क्या लिखा होता है तो देखें कम एंड स्पेंड योर दिवाली होलीडे विथ ऑस ही रोड तो उसमें लिखा हुआ था कि जो दिवाली आने वाला है तो वो आप लोग यहाँ मेरे साथ आकर स्पेंड करें और इन्जॉय करें आई विल टेक यू टू सी मेनी थिंग मैं यहाँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा रचित वक्साइटेड रचित जो है बच्चा वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है ही हैड हर डैथ लखनऊ वॉज अ वेरी बिग सिटी क्योंकि वह सुने हुआ था कि जो है लखनऊ उसके अंकल जो है लखनऊ रहते हैं तो वहीं से लेटर भेजे तो वो सुने हुआ था कि लखनऊ जो है बहुत बड़ा uh, शहर है इट हैड लॉट्स ऑफ कार्स एंड बिग बसेस ऑन द स्ट्रीट क्या है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है बसेस रहती है और वो स्ट्रीट में लगे रहते हैं द स्ट्रीट्स वेयर वेरी ब्रॉड नॉट लाइक द नैरो वॉन्स हिस्सा इन द टाउन नीयर हिज विलेज इस वो जो स्ट्रीट है वो मतलब बहुत बड़ा है मतलब चौड़ा है यहाँ जो न, मतलब गांव वगैरह में जो गली होती हैं वो तो मतलब पतली रहती है नैरों मतलब पतली होता है और रोड मतलब चौड़ा होता है तो गांव इलाके में तो स्पेस कम रहता है तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पतली गली रहती तो वहाँ जो है बहुत क्या रहता है बड़ा बड़ा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा जो है गली रहता है जहाँ वो बसेस कार वग़ैरह लगते हैं द हाउसेज टू वेरी बिग इन लखनऊ और घर जो है वो भी बहुत बड़ा रहता है देयर वेयर वे ऑल्सो मैनी टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटी और जो है बिल्डिंग्स भी बड़े बड़े रहते हैं क्योंकि uh, गांव में तो आमतौर से ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते हैं बड़े सो so, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए विल वी गो बाई ट्रेन पापा तो रजित आस्ट हिज फादर रजित अपने पापा से पूछता है क्या हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो यस वी विल लखनऊ हम लोग हाँ हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे बिकॉज लखनऊ इज फार अवे इट विल टेक फ्यू आवर्स टू रीच देयर हिज फादर सेट उसने कहा मतलब उसके फादर ने कहा क्योंकि हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे क्योंकि लखनऊ जो है बहुत दूर है और जाने में बहुत टाइम लगता है सो so रचित हिज फादर एंड हिज मदर टू द मॉर्निंग ट्रेन टू लखनऊ उसके बाद उसके फादर मदर और रचित जो है सब लोग सुबह वाली ट्रेन लखनऊ की पकड़ लेते हैं जाने के लिए रचित लव द जर्नी बाई ट्रेन उसको बहुत मज़ा आता है ट्रेन का सफर करने में दे आर वेर मैनी थिंग्स टू सी एट देशन वो स्टेशन जो होता है वहाँ बहुत सारी चीज दिखता है हॉकर्स पीपल सेलिंग एंड बाइंग थिंग पीपल शॉटिंग एंड पुशिंग इच अदर एंड पीपल कैरिंग इस्टेशन पे जो है बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारे मतलब हॉकर्स मतलब होता है फेरी वाला जो सब मान सब बेचता रहता है हल्ला हल्ला करता रहता है कि ये लो ये लो चाय लो ये लो, लो सामान ले लो और बहुत वहाँ जो है बहुत क्राउड रहता है भीड़ रहता है एक दूसरे को सब धक्का मुक्की करते हुए निकल जाते हैं और जो है वहाँ क्या होता है एक कुली जो होता है वहाँ सामान ढोने के लिए होता है ओके ही लव सींग ग्रीन फील्स एंड ट्रीज फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन अब वो बैठा हुआ था ट्रेन में तो वहां से खिड़की से बाहर देख रहा था बहुत सारा अच्छा मतलब पेड़ सब था और हरा हरा पूरा फील्ड सब था खेत सब था तो बहुत अच्छा लगता है देखने में ही अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वैट द ग्राउंड तो वो जो है खिड़की से क्या देखा फ्लॉक ऑफ शीप मतलब झुंड भेड़ का झुंड देखा और एलिफेंट्स का भी जो बहुत सारे एलिफेंट्स थे और उसके ट्रंक जो है दैट मीन्स ट्रंक सूढ़ सूर जो है बहुत लंबे थे जो कि ग्राउंड से टच कर रहे थे ज़मीन से टच कर रहे थे तो वो जो है अपना ट्रेन में बैठा हुआ था और ये सब चीज़ इन्जॉय कर रहा था देख देख कर ओके okay? यहाँ यहाँ तक मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊँगी ठीक है यहाँ तक आप लोग का कम्प्लीट हो गया एक पैराग्राफ सो मैं नेक्स्ट डे आप लोग को नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊँगी तो कुछ होमवर्क दे देती हूँ जो कि आप लोग कर लेंगे ओके okay, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग और पैराग्राफ जैसे जितना मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग है तो इसे नोट डाउन करके लर्न कर लेंगे ओके okay, यहाँ तो चार वर्ड मीनिंग और है ओके okay,